हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है खमन ढोकला। और ये ढोकला फ्रेंड्स हम चना दाल और चावल के साथ में बनाएंगे और ये ढोकला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो है फ्रेंड्स, ये 1 कप चना दाल है और हमने इसमें 1/4 कप चावल लिया है और 1 टेबल स्पून हमने उड़द की दाल ली है। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे करेंगे हम, जैसे 1 कप चना दाल है और ये चावल 1/4 लिए है और उड़द दाल, इनको साफ को हमको साथ में एकदम साफ धो लेना है। धोने के बाद में उसे हमें 8 से 9 घंटे तक भिगोना है धोने के बाद में, और फिर उसके बाद में इसे हमें पीसना है। 8-9 घंटे के बाद में इसे पीसना है और उस पीसने के बाद में इसे हमें फर्मेंट होने के लिए रख देना है 8 से 9 घंटे के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप कप से बना रहे हैं तो आपका ये मेजरमेंट रहेगा और अगर आप ग्लास से बनाते हैं तो ग्लास से भी सेम मेजरमेंट रहेगा। 1 ग्लास चने की दाल में यहाँ पे आपको 1/4 कप चावल लेना है और 1 टीस्पून के करीब हमें उड़द की दाल लेना, सेम मेजरमेंट वो रहेगा फ्रेंड्स अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो। उसके बाद में फ्रेंड्स, हमने ये हमारी पीसी हुई खमन ढोकले का तैयारी है, ये तैयार हो चुका है, ये फर्मेंट भी हो चुका है। ये उसके बाद में हमें कड़ी पत्ता लगेगा। हमने ये राई और कड़ी पत्ता का तड़का तैयार करके रखा है, फ्लटर करके रखा हुआ है। इसके बाद में हमें हरा धनिया लगेगा, बारीक वाली राई लगेंगी, ग्रीन चिलीज लगती है, ये सेसमी सीड है जो तिल बोलते हैं जिसे हम, और ये शुगर पाउडर, शक्कर का पाउडर है ये, और ये सेट्रिक एसिड है। उसके बाद में हमें सॉल्ट लगेगा, नमक, ये टर्मरिक पाउडर, हल्दी लगेंगी, और ये है ग्रीन चिलीज और जिंजर यानी अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं। बनाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड्स, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक और इंग्रेडिएंट्स रह गया था फ्रेंड बताने का, ये है इनो फ्रूट सॉल्ट, हमें इसका भी जरूरत पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पानी बॉईल करने को रख दिया है हमारे ढोकले को स्टीम करने के लिए, हमने पानी इतना रखा है, उसके अंदर में एक रिंग रखी है और रिंग के यानी डूबते तक हमें सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे ये बैटर में हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक डालना है, हम थोड़ा सा ही डालेंगे फ्रेंड्स, हमें इसको ज़्यादा कलर नहीं देना है, और स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद में हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, ये सिट्रिक एसिड है फ्रेंड, ये भी 1/4 टीस्पून डालेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमने पीसते वक्त 1 कप दही का इस्तेमाल किया है, जब हमने बैटर को पीसा है उड़द दाल चावल और चने की दाल को, तो उस पीरियड में हमने इसमें थोड़ा सा दही का इस्तेमाल किया है, 1 कप दही के साथ में हमने इसे बैटर को पीसा है। उसके बाद में 1 टीस्पून के करीब हमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो राई और कड़ी पत्ता का जो हमने तड़का बना के रखा था वो डालेंगे, ताकि इसके अंदर इसका पूरा फ्लेवर जाए, इसलिए हम ये डाल रहे हैं फ्रेंड्स। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अंदर तक हमारे राई का फ्लेवर आएगा इसमें, कड़ी पत्ता और राई का फ्लेवर। फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह की रहना चाहिए, एकदम ज्यादा लूज भी नहीं और एकदम ज्यादा हार्ड भी नहीं। इसके बाद में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसे साइड में रखते हैं और हमारा ये बेकिंग ट्रे लेते हैं। बेकिंग ट्रे में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे ग्रीस करेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ट्रे भी ग्रीस हो चुका है, इसे साइड में रखते हैं और हमारा ये बैटर को सामने लेंगे। हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है,
अब इसमें हम इनो डालेंगे। एक पाउच के करीब हम इनो यूज कर रहे हैं। इस पे थोड़ा सा एक बूंद के करीब हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनो डालने के बाद हमें इसे तुरंत पकने के लिए रखना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमारे बैटर को हम हमारे बेकिंग ट्रे में डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा टैप कर लेते हैं और आप चाहे तो इस पे हरा धनिया भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए। अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप इसे ऐसे स्प्रिंकल कर लीजिए। हमारा पानी बॉईल हो चुका है फ्रेंड्स, इसे निकाल लेंगे। गैस का पावर एकदम स्लो रखिए फ्रेंड्स, वरना आपके हाथों पर उसका भाप आ सकती है, स्टीम आ सकती है। इसे हम इस पे सेट रख देंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे फुल पावर पे। इसे ढक देते हैं और 10 से 15 मिनट तक इसे पकने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे ढोकले को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट के ऊपर हो चुके हैं फ्रेंड्स, हमारे गैस को बंद करते हैं हम। हमारा ढोकला तो बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये बराबर पका है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये चाकू बहुत अच्छी तरह से क्लियर निकल रहा है, इसका मतलब हमारा ढोकला अच्छी तरह से पक चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे हमें ठंडा होने देना है जब तक हम इसका तड़का तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, तड़का तैयार करने के लिए हमने एक छोटी कढ़ाई में ऑयल डाला है, 1 टीस्पून के करीब हमने ऑयल डाला है फ्रेंड्स इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम राई डालेंगे। राई फ्रेंड्स हम थोड़ी ज्यादा डालेंगे, हम 1.5 टीस्पून के करीब हम इसमें राई डाल रहे हैं। तिल डालेंगे 1 टीस्पून के करीब हम। इसे अच्छे से भून देते हैं, अच्छे से क्रैकल होने दें फ्रेंड्स। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। और कड़ी पत्ता हमारी कड़ी पत्तों को भी अच्छे से होने देंगे हम। फ्रेंड्स, एक जरूरी टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आपके पास में इनो नहीं है तो आप उस पीरियड में आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टीस्पून आप बेकिंग सोडा यूज कीजिए तो उससे भी आपके ढोकले परफेक्ट बनेंगे। अब इसमें हम हमारी मिर्च और कड़ी पत्ता अच्छे से हो गया, अब इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि हमें ये ढोकले को पानी पिलाना होगा, वरना वो गले में थोड़ा सा चिपकता है और अटक के समान लगता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब हम शुगर डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब हम सिट्रिक एसिड डालेंगे। ये ज्यादा ना डालें फ्रेंड्स, क्योंकि पहले ही हमारे ढोकले में दही पड़ा है और थोड़ा सिट्रिक एसिड भी डाले थे हमने। इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसका हम गैस बंद करेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने जो ये पानी बना के रखा है, हमारे ढोकलों को हम ये पानी पिलाना है। इससे कैसा है फ्रेंड्स, हमारे ये थ्रोट में चिपकता नहीं। इसे अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से इसे ठंडा होने देते हैं अच्छी तरह से और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स हमको सबसे पहले इसके साइड्स निकालना पड़ता है। इस तरह से हम इसे राउंड घुमाएंगे
इसकी साइड्स निकाल लेंगे। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में आसानी से निकल जाएगा। इसे फिर हम इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से। फ्रेंड्स, आपको जैसे पीसेस बनाना है आप उस टाइप से इसके पीसेस बना सकते हैं, इस तरह। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं फ्रेंड्स, और फिर इसे हम निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ठंडा हो चुका है, हमने इसके प्लेट एक थाली के ऊपर इसे पलटा दिया है। अब इसे थोड़ा सा टैप करते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह से पका है फ्रेंड्स। अब इसे हम पीसेस निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कटिंग करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कट करने के बाद में इतनी अच्छी इसमें हमने जाली आई है। इसका मतलब हमारा ढोकला बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बना है और बहुत ज्यादा परफेक्ट बना है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं फ्रेंड्स। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा खमन ढोकला। ये चने दाल और चावल से बना हुआ ढोकला है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन, प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।